किसी भी संगीत प्रोग्राम के शुरू में ये धुन बजाऊं तो मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 100% रियल है। इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी धुन सिखाने वाला हूँ जिस धुन को आप किसी भी प्रोग्राम के शुरुआत में बजा सकते हैं। लेकिन सिखाने से पहले एक बार रियल टाइम में प्ले करके दिखाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे से सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AMK संगीत। दोस्तों एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कौन सी धुन है, उसके बाद धीरे धीरे से सिखाता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह से ये धुन आपको प्ले करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों ये धुन बैंजो की वॉइस में प्ले की जाती है मोस्टली, लेकिन मैंने यहाँ पर बैंजो जैसा ही कुछ ट्यून लगाया हुआ है, लेकिन बैंजो नहीं है। दोस्तों आपको इसी पर समझना है और आप सीखने के बाद इसको प्ले कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्केल। तो हमने स्केल रखा है G#माइनर, ये हमारा G# नोट है। तो 1, 2 और 3 तीनों बटनों को एक साथ में प्रेस करेंगे इस तरह से। अब कैसे प्ले करना है, इस धुन के साथ में इस गाने को भी प्ले कर सकते हैं। दोस्तों ये धुन है जो हमारा देशभक्ति सॉन्ग है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, इस गाने की धुन है। इस धुन के साथ में इस गाने के बोल भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस धुन को सिखाना चाहता हूँ। तो देखिएगा इस बटन से धीरे धीरे, यहाँ पर आने के बाद आपको एक अच्छा सा कड़ ऐड करना है, एक अच्छा सा मोमेंट ऐड करना है, जो इन दो उंगलियों से ऐड किया जाता है। कैसे करेंगे, ऐसे करके ऐड करना है धीरे धीरे, देखिएगा। लेकिन आप जब जल्दी में करेंगे तभी अच्छा लगेगा, ऐसे करके दोबारा से देखिएगा। इसके बाद अगला पार्ट, यहां पर भी आपको कड़ ऐड करना है, देखिएगा। इसके बाद अगला पार्ट, यहां पर भी कड़ ऐड करना है, फिर इसके बाद अगला, यहाँ पर भी कड़ ऐड करना है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट दो बार प्ले करने हैं। तो एक बार मैंने धीरे धीरे से बताया है, फिर दोबारा से भी धीरे धीरे बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यानी हर एक बटन पर आपको यही मूवमेंट ऐड करना है, ये वाला जहाँ पर ठहराव हो रहा है। इसके बाद इस म्यूजिक का एक छोटा सा पार्ट और बाकी है, उसको भी देखिएगा तभी पूरा होगा। इस तरह से, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा कठिन है, दोबारा से देखिएगा। इतना प्ले करने के बाद वही वाले पार्ट फिर से आपको दो बार प्ले करने होते हैं।
ये वाले पार्ट। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये धुन पूरी हो जाती है। मैंने आपको धीरे धीरे से भी सिखाया है और जल्दी भी प्ले करके दिखाया है। इस धुन के साथ मैं इस गाने के बोल भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर इस धुन को ही सिखाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियोस कौन कौन देखते हैं और कहां कहां से देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।